तो अभी हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मिस्टर चौहान सर, जो कि फॉर्मर बीबीसी वर्ल्ड के ट्रेनर है। सर, हम आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो बीबीसी कवरेज देते हैं, जिस तरह से बाकी जितने भी न्यूज़ चैनल है वो इस तरह के कवरेज कोई भी नहीं देता, इतना डीप में जाके रिसर्च करके, वेल रिसर्च करके जिस तरह से वो कवरेज लेके आते, वो बाकी चैनल्स इतना अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाते। इसका मेन रीज़न क्या रहता है सर? मेन पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि व्हाट यू लर्न ऑन द जॉब। ठीक है, आप बीए करके आ गए, एमए करके आ गए, जर्नलिज्म में सब कुछ करके आ गए, जो आप सीखेंगे इन हाउस, चाहे आप किसी अखबार में हैं या टेलीविजन चैनल में हैं, तो सीनियर से आप सीखेंगे ना। यस सर। कि वो चीज़ें जो ऑन द हाउस ट्रेन, तो सबसे बड़ी आती है इन हाउस ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स। जो आपने बीबीसी की बात कही, वहाँ हर 6 महीने के बाद रिफ्रेशर कोर्स होता है। ये स्टडी किया जाता है, जो हम कवरेज कर रहे हैं आज के ज़माने में, क्या ये हम ढंग से कर रहे हैं। जो सीनियर्स हैं वो रिपोर्टिंग देखेंगे आपकी, एडिटिंग देखेंगे, और वो ये देखेंगे कि ये ढंग से हो रही है और इसमें इम्प्रूवमेंट्स कैसे लाए। तो इसका मतलब रिव्यू करते रहो कि मैं काम कर रहा हूँ, आप घर में खाना बनाती हैं, तो अगर घर में खाना बनाती हैं और आपको कोई देखे ही नहीं, आप किताब पढ़ के तो खाना नहीं बना सकती। माँ से सीखेंगी, दादी दादी नाना से सीखेंगी, सबसे सीखेंगी। तो आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है ऑन द जॉब होता है। डिग्रीज ठीक हैं, वो आपको स्किल्स तो सिखा देंगे, मगर जो आपने करना क्या है वो आपने सीनियर से, जो एक्सपीरियंस है उनसे सीखेंगे ना। तो ये मेरा मैसेज है कि भैया, वहाँ जो आपकी इंस्टीट्यूशन में जहाँ भी आप काम करने जाएंगे, या अगर नहीं भी जाते हैं आप, जैसे फ्रीलांस कर रहे हैं, तो उसमें आप जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, तो बात करिए ना मुझसे, तो मैं आपको बताऊँगा क्या करना। अगर आप बात ही ना करेंगे, मैं आजकल ये सोचते हैं मेरे को सब आता है, मैं यहाँ एल लगा के घूमता हूँ, मींस इवन एट माय एज आई एम लर्निंग व्हाट यू आर सेइंग, आई ट्राई टू लिसन टू यू एंड इम्प्रूव माय फंक्शनिंग। अगर मैं सोचूं मुझे सब आता है जी, मैं तो बहुत जगह घाट में का पानी पी लिया है, बहुत आता है सब कुछ, तो क्या मैं सीखूंगा? कुछ नहीं, मरते दम तक आदमी सीखता रहे, ये मेरा मैसेज है। आज सीखो और मरते दम तक सीखो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अभी हम आपको मिलवाने जा रहा है मिस्टर प्रेम सिंह, असिस्टेंट मैनेजर एडवर्टाइजिंग ट्रिब्यून। तो हम उनसे मिलवाएंगे आपको और आपका इंट्रोड्यूस करवाएंगे न्यूज़ ट्रिब्यून का, जो है एडवर्टाइजिंग असिस्टेंट रह चुके हैं। तो सबसे पहले सर, मैं आपका वेलकम करता हूँ सर। थैंक यू। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, एडवर्टाइजिंग में जिस तरह से पुराने एडवर्टाइजिंग होते थे न्यूज़पेपर में, अब काफ़ी हद तक डिजिटलाइज हो गया सर, अब कमर्शलाइज हो गया है, अब हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक वे में आ रहा है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप काफ़ी हद तक सीनियर रह चुके हैं, सीनियर पर्सन है ट्रिब्यून के, आपको क्या लग रहा है सर कि आज के न्यूज़पेपर और जो पुराने न्यूज़पेपर होते थे उनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है सर? हाँ, एक्चुअली आज से कोई 40 साल पहले, 50 साल पहले, ये जो एडवर्टाइजमेंट थी, इट वॉज द नेसेसिटी ऑफ द पीपल, ना वो हर एक को एक ज़रूरत थी, कोई भी काम करना है, अच्छे जो कस्टमर्स ढूंढने के लिए, अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट देते थे, है ना। परंतु अब सिस्टम चेंज हो गया है, अब हम होल वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बिकम वेरी क्लोज, है ना। तो उसके लिए ये जो अब मॉडर्न टाइप की डिजिटाइजेशन एडवर्टाइजमेंट आ गई है, तो इसमें ये एक अच्छा भी है, क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है आप, आपको एक बहुत सारी ऑप्शंस हो गई हैं, कि ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ प्रिंट मीडिया में ही अपनी एडवर्टाइजमेंट देनी है, अब आपके पास बहुत चैनल्स आ गए हैं। तो उससे ये है कि यू विल ग्रो एंड यू विल गेट मोर अवेयर, दिस इज़ गुड, दिस इज़ एक्चुअली गुड। तो सर, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा, मैक्सिमम न्यूज़पेपर का जो अर्निंग पॉइंट होता है वो एडवर्टाइजिंग सेक्टर से आते हैं, तो एडवर्टाइजिंग के लिए न्यूज़पेपर, मैक्सिमम न्यूज़पेपर जो है पॉलिटिक्स के शिकार हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेट के शिकार हो जाते हैं, कॉरपोरेशन सेक्टर के शिकार हो जाते हैं। तो आप ट्रिब्यून से जुड़े हुए काफ़ी अर्सा हो गया, आप सीनियर हैं, सीनियर पर्सन हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो ट्रिब्यून ट्रस्ट जो अभी भी चल रहा है पंजाब में, काफ़ी हद तक फेमस है, पॉपुलर है, तो इसमें भी कुछ हद तक इस तरह के केस होते थे कि अब भी वहाँ पे कुछ ऐसे केस नहीं होते?
अब ये जो इस तरह के केस हैं ये बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि पहले आज से 40 साल पहले 50 साल पहले सिर्फ जो ये पॉलिटिशियन थे ये प्रिंट मीडिया पे ही डिपेंडेंट थे, तो अब उनके पास बहुत सारी और भी ऑप्शंस आ गई हैं। लेकिन अब वो एडवर्टाइजमेंट पे ट्रिब्यून भी गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट पे उतना डिपेंडेंट नहीं रहा, क्योंकि हमारे देश में अब इतनी डेवलपमेंट हुई, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इतना बिजनेस बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, तो उनको पब्लिसिटी की ज़रूरत है। तो वो चाहती हैं कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है लीडिंग न्यूज़पेपर्स में जाए, तो हमारा ये जो ट्रिब्यून ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स है नॉर्थ इंडिया का सबसे लीडिंग न्यूज़पेपर्स है, तो सभी जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये प्रेफर करते हैं कि हम ट्रिब्यून में एडवर्टाइजमेंट दें। अब तो पॉलिटिशियंस का जो इंटरफेरेंस है उसमें कम हो गई है। पहले जाना पड़ता था सरकार के पास, एक पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट्स है, तो उनसे लाइजन बना के रखना पड़ता था कि हमारे को एडवर्टाइजमेंट दो, है ना। अब ऐसा नहीं है, अब वो जो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट्स हैं वो खुद ट्रिब्यून के पास आते हैं कि हम आप को न्यूज़ भी देंगे, आप हमारी न्यूज़ छापते हैं तो हम आपको एडवर्टाइजमेंट भी देंगे। तो आखिर में इतना चैलेंज नहीं है, अब गवर्नमेंट की तरफ से चैलेंज नहीं है कि वो एडवर्टाइजमेंट बंद कर देंगे। अच्छा सर, ऐसा नहीं है, नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। तो आखिर में हम ये जानना चाहते हैं, मतलब स्टूडेंट, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपकमिंग जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका पैगाम क्या रहेगा स्टूडेंट के लिए? मैं वही कहता हूँ कि आज का जो स्टूडेंट है उनमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, तो मैं यही चाहूँगा कि जैसे आप भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, मैं सबको देख रहा हूँ कि आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और आप फेयर, उसमें थोड़ी सी मुश्किल जरूर आती है कि लोगों के जड़ तक जाना, ढूंढना जो इंसिडेंट हो जाते हैं, राइट्स हो जाते हैं या कोई भी डेवलपमेंट हो रही है। नॉर्मली ये होता था कि कोई भी इतनी ज़्यादा पे नहीं लेना चाहता था, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था, परंतु आज का यूथ में एक एनर्जी है, एक टैलेंट है, एक उनमें उत्साह है। वो मैं यही कहूँगा स्टूडेंट्स को कि आप कोई भी न्यूज़ है उसकी गहराई तक जाएं, ताकि जो रियलिटी है, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा था, ये हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं पंजाब का हूँ, मैं सिख हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, तो वो एक होती थी कि मैं इस तरह से न्यूज़ दूँ, इस तरह से मैं एडवर्टाइजमेंट दूँ कि मेरे लोगों का फ़ायदा हो, परंतु अब वो ख़त्म होना चाहता है। और मैं यही आपसे उम्मीद भी करूँगा कि आप, पहले तो मैं यही चाहूँगा कि ये आइडेंटिटी ही ख़त्म होनी चाहिए, किसी को पता ही ना लगे कि ना नाम से, ना उसके एक्सप्रेशन से कि वो किस जात का है, किस धर्म का है, किस स्टेट से है। ऐसा हो रहा है, एजुकेशन ऐसा संभव कर रही है, ठीक नहीं, तो उससे बड़े अच्छे जो जर्नलिस्ट है जो पैदा होंगे और वो अच्छी डूंगाई से लोगों की प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन जब ढूंढ के लाएंगे, तो उसका जर्नलिस्ट को भी फायदा होगा, आपको फायदा होगा और समाज को फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कारगिल एक्सप्रेस न्यूज, कीप वॉचिंग कारगिल एक्सप्रेस न्यूज, लाइक शेयर एंड कमेंट।